भारतीय किसान यूनियन। केंद्र सरकार की ओर से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में लिए जाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर दोनों राज्यों के किसान संगठनों द्वारा इसके विरोध में 25 मार्च को मोहाली स्थित अंब साहिब गुरुद्वारे में महापंचायत करने का फैसला लिया है। महापंचायत को लेकर बुधवार को रादौर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान रतन मान ने कहा कि इस मसले को लेकर दोनों राज्यों के किसान संगठन लामबंद हो रहे हैं। मान ने केंद्र सरकार पर बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देकर लोगों का शोषण करवाना चाहती है। अब भारत की सरकार अपने अधीन करने जा रही है, यानी जितने भी संस्थान है इस तरह के, सब पर केंद्र सरकार की नज़र है और वो छीनने का प्रयास कर रही है। तो इसको लेकर के आने वाली 25 मार्च को जो मोहाली चंडीगढ़ है उसमें अंब साहिब गुरुद्वारा है, दोनों प्रदेशों के वहाँ हजारों हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहाँ किसान पंचायत होगी, ट्रैक्टर परेड होगी और जो हमारे दोनों प्रदेशों के गवर्नर साहिबान हैं उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और सरकार से मांग है कि ये राज्य सरकारों के अधीन रहना चाहिए, अन्यथा दोनों राज्यों के किसान अगर सख्त से सख्त भी आंदोलन करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जब ये बनाया गया था और हमने इसका जो टैक्स भी दिया तो इससे सस्ती बिजली पैदा होती है, यानी पानी से भी पनबिजली पैदा होती है वहाँ। तो ये क्या करेंगे, उसको सौंप देंगे प्राइवेट आदमी को और वो अपनी मन मर्जी से इसके रेट रखेगा। अब क्योंकि अब तो ये हमारे अधीन था, अब वो उसका अधीन कर देंगे। यही तो ये सरकार मतलब चलाकी कह लीजिए या मतलब धोखाधड़ी करे के साथ ही इन संस्थानों को छीन रही है, यानी कि सारे देश को प्राइवेट सेक्टर में दे करके और उनका एकाधिकार देश में जमाना चाहती है। इसका मुख्य रूप से ये है। तो ये संस्थान हमारा है और हमारा रहना चाहिए, हमारी दोनों सरकारों का नियंत्रण रहना चाहिए। दरअसल किसानों का कहना है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निजी हाथों में जाने के बाद लोगों को महंगी बिजली मिलेगी जिससे किसानों पर भारी मार पड़ेगी। बहरहाल केंद्र सरकार के खिलाफ अब किसान एक बार फिर विरोध पर उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के केसरी टीवी।